इधर केरल में गौ हत्या मामले को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। केरल का मामला अभी थमा भी नहीं था कि आईआईटी मद्रास के छात्रों ने बीफ फेस्टिवल का आयोजन कर विवाद को और ज्यादा तूल दे दिया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें से पहली तस्वीर केरल के कुन्नूर की है और दूसरी तस्वीर आईआईटी मद्रास के छात्रों के बीफ फेस्टिवल की है। चलिए बारी बारी से दोनों खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं केरल की खबर पर। केरल के कुन्नूर में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान गौ हत्या का वीडियो सामने आया और उसके बाद विवाद ने जगह ले ली। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। कांग्रेस ने इस मामले से पल्ला झाड़ते देर न की। कांग्रेस ने सबसे पहले इस मामले में सफाई पेश की और गौ हत्या करने वाली यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया है, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। इस घटना पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर घटना की निंदा की और उन्होंने कहा कि केरल में जो हुआ वो सोच से परे है और मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना घोर पाप है। इस तरह की संस्कृति और रास्ते का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में न स्थान है न जगह, और इसीलिए उन लोगों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मुत्तिल कर दिया गया है। नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता देश पर सेंटिमेंट के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र में हर को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन शायद आजाद भारत में हमने पहली बार देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के एक पॉलिटिकल वर्कर ने एक बछड़े को सार्वजनिक रूप से एक प्रकार से संहार करने की कोशिश की है। ये कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। धन्यवाद। चलिए केरल की खबर आपने देख ली। केरल पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आपने सुन लिए। केरल के बाद आते हैं आईआईटी मद्रास की खबर पर। आईआईटी मद्रास के 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एक बीफ फेस्ट का आयोजन किया। ये छात्र केंद्र के उस कानून का विरोध कर रहे थे जिसमें बूचड़ खानों के लिए मवेशियों को खरीदना और बेचना बैन किया गया है। बता दें कि केरल में शनिवार को बीफ फेस्ट रखा गया था और इस दौरान गौ हत्या की गई। केरल में कई जगहों पर बीफ फेस्ट और प्रोटेस्ट रैली भी निकाली गई। आपको बता दें कि सरकार ने बूचड़ खानों के लिए मवेशियों को खरीदने और बेचने पर नोटिफिकेशन जारी कर रोक लगा दी है। कुछ लोग एक सुनियोजित साजिश के तहत, जो मानसिक रूप से हताश और निराश लोग हैं, वो समाज के सौहार्द को कैसे बिगाड़ो, किस तरह से लोगों को प्रवोक करो, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य सरकारों को इस संबंध में जिन राज्यों में भी हुआ है उसमें कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन जगहों पे हुआ है वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत इफेक्टिव कदम नहीं उठाया, चाहे वो बंगाल हो चाहे केरला हो। और अब इस सियासी बवाल में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। ममता बनर्जी को गो हत्या पर बैन मंजूर नहीं। ममता ने कहा कि गो हत्या पर बैन असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के फैसले को नहीं मानेंगे। ममता ने कहा कि वो गो हत्या और मवेशियों की खरीद फरोख्त पर बैन को कानूनी रूप से चुनौती देंगी। एनी स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड इन लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल। Thus, the government of India has, by a piece of delegated legislation, by a rule, sought to encroach on the powers of the state legislature with regard to NT 26 and NT 28, which is unconstitutional. Absolutely unconstitutional. Shutrang, we are not accepting that.